अर्थात अध्याय चार में है बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। तो अध्याय चार में, अध्याय चार का हम प्रश्नावली देख लेते हैं। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन है, प्रश्नावली एक से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, देखो प्रश्न एक में, इसके प्रश्न क्रमांक एक के अंदर कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। तो उसमें से मैं पहला लिखे, पहला को बना के देखते हैं हम लोग। तो पहला को आप देखो, तो ये जो फॉर्म है ये गुणनखंड के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको गुणन फल के फॉर्म में लिखना है। गुणन खंड के फॉर्म में है, इसको किससे फॉर्म में चेंज करना है, गुणन फल के फॉर्म में, ठीक है। तो गुणन फल के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करते हैं, तो इसको हल कर देते हैं। तो देखो ये पहला पक्ष हो गया, सॉरी पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पदों में विभक्त कर लेंगे, पहला पद दूसरा पद। जब हम पहले पद को स्थिर रखेंगे तो दूसरे पद को क्या करेंगे, उसके साथ गुणा करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 2x+7, ठीक है, पहला पद स्थिर है, इसमें कोई हमने चेंजेस नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ गुणा करेंगे। तो पहले पद का साथ, पहले पद को हम स्थिर रखें तो इसके साथ इसका गुणा एक बार, फिर से स्थिर रखेंगे इसको, तो फिर दूसरे बार इसके साथ गुणा, दो के साथ, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये स्थिर है, इसके बाद इसके साथ गुणा कर दो, तो गुणा 3x, फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह क्यों, यहाँ पे प्लस चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि जिसके साथ हम इसको गुणा कर रहे हैं, देखो इसी संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं, तो उसका चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इस पद को लो 2x+7, अब हमारे पास क्या है, दो है, तो गुणा कर दो, दो, देखो बन गया, गुणा के रूप में आ गया। इस तरह से इसे गुणन, इस तरह से इसको गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, तो दो इसका एक बार इसके साथ गुणा और फिर एक बार इसके साथ गुणा, फिर इसी तरह से इसको एक बार इसके साथ गुणा, फिर एक बार इसके साथ गुणा। तो करते हैं, इसका एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका एक बार इसके साथ, तो करें, तो 2x+3x+7, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखिए 7 × 3x, फिर प्लस, फिर 2x, फिर 2x यहाँ से आ गया, और फिर 2 लिखेंगे यहाँ से, पूरा 2 प्लस, यहाँ पे क्या है, 7 है, और फिर 2, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, तो ये हो गया 3 × 6, और ये देखो एक एक घात दोनों में, तो गुणा के रूप में होने के कारण घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो x का 2 घात हो गया। फिर यहाँ पे देखो 7 × 21, और एक x है, तो x इसके साथ गुणा हो गया। फिर यहाँ पे देखो 2 × 4, और ये x, फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 14। आगे बढ़ते हैं, तो देखो सबसे बड़ा वाला घात पहले लिखते हैं, तो ये हो गया x 2 घात, उसके बाद x का एक एक घात है इसमें, देखो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद कितना हो गया, 25, और x जुड़ रहा है, तो घात का जो है उसके, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिर्फ गुणा में घात जुड़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो गया, संख्या जुड़ते हैं। तो देखो 21 और 4 कितना हो गया, 25 हो गया, और ये x का x रहेगा, फिर ये हो गया 14। तो देखो गुणनफल के रूप में हमें बनाने के लिए कहा है, तो ये क्या है आपका आंसर, इसी फॉर्म में हमें निकालने के लिए आपके प्रश्न में कहा गया था, ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, पहला का चौथा। तो पहला का चौथा है 1/2x+5y, फिर कोष्टक में 3x-6/5y दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको जैसे हमने पहले हल किया था वैसे इसको भी हल करेंगे। तो क्या करेंगे, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, पहले पद को हम स्थिर रखेंगे, उसके बाद इसके साथ गुणा करेंगे, फिर से पहले पद को इसी रखेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे। तो करते हैं 1/2x+5y, फिर ये क्या है, 3x है, तो 3x के साथ कर दे। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो देखो जिसके साथ गुणा कर रहे हैं वही उसी का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लिख दो, फिर 1/2x+5y, फिर ये क्या है, गुणा के रूप में 6/5y, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हल करते हैं 1/2x, देखो एक बार इसके साथ गुणा और फिर एक बार इसके साथ गुणा, तो पहले किसके साथ करेंगे, इसके साथ कर रहे हैं, तो 1/2 × 3x+5y × 3x, फिर माइनस, और फिर इसको कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, अभी से अगर हम माइनस के अंदर गुणा करते जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा हल करने में, इसलिए हम पहले कोष्टक के अंदर को हल कर लेंगे, उसके बाद माइनस को उसके अंदर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद देखो ये वाला, एक बार इसके साथ एक बार इसका गुणा, फिर एक बार इसके साथ इसका गुणा, ठीक है। तो 1/2x
फिर गुणित 6/5y, फिर यहाँ पे क्या लगा है प्लस लगा है 5y, फिर 6/5y, ये हो गया। आगे हल करते हैं, देखो इन दोनों गुणा कर देते हैं तो ये कितना होगा 3 × 3, तो ये होगा 3। और ये क्या है घात खास समान होने के कारण क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये घात खास समान है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है घात समान हो तभी जुड़ेगा, गुणा के रूप में वो घात क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो कितना हो गया x का 2 घात, तो बटे यहाँ पे नीचे में क्या है 2, तो 2 हो गया। फिर 5 कितना हो गया 15 y x, यहाँ पे माइनस रखो, अभी भी कोष्टक के अंदर को हल कर लो पहले, तो देखो ऊपर ऊपर के ऊपर के साथ गुणा, नीचे नीचे वाले के साथ नीचे गुणा, तो ये हो गया ये 6 × 6, और ये कितना 5 × 2 = 10, और यहाँ पे x और y, तो ये x और y का गुणा x का, ठीक है गुणा हो गया। फिर ये 5×6 = 30, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों कट सकता है, कट गया, ठीक है। क्यों कटा, क्योंकि अगर हम इस 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 30 होगा, और 30 को 5 से भागित करेंगे तो 5×6 = फिर 6 आएगा, तो मतलब क्या है, तो ये गुणा के फॉर्म में होने के कारण कट गया। अगर ये प्लस के फॉर्म में होता, यहाँ पे प्लस होता तो ये नहीं कटता, ठीक है, या माइनस होता तो भी नहीं कटता, सिर्फ गुणा में है इसीलिए ऊपर और नीचे कट जाता है। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे 6 बचा, और ये वाई और ये वाई दोनों का घात जुड़ के कितना हो गया, 1 1 घात है दोनों में, तो 2 घात हो गया, ठीक है। अब माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3/2 x² + 15 y x, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये भी प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में, तो 6/10 x y - 6 y² हो गया। अब सबसे बड़े घातों को पहले लिख लो या फिर बाद में लिखना चाहते हो, अभी देखो यहाँ पे देखो दोनों x y है, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अभी जो का तो लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 कट गया इतने से, तो ये हो गया 15 y x - 3/5 x y - 6 y² देखो हल होते जा रहा था, लगातार हल करते जा रहे हैं हम लोग। आगे हल करते हैं, 3/2 x² + 15 y x, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो नीचे वाला संख्या है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये वाला जो संख्या है वो यहाँ पे जाएगा, पहले इसको इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो ये 15 xy है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है एक है, चलो ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है। अब देखो यहाँ पे अभी भी घात नीचे वाला समान है क्या, सेम राशि है क्या, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो इस जो नीचे वाले जो संख्या, नीचे वाला ठीक है, ऊपर को कभी नहीं हल करते, सिर्फ नीचे को लेते हैं, इस नीचे वाले संख्या जो 5 है उसके एक बार इसके साथ गुणा और एक बार इसके साथ गुणा, तो कर देते हैं, तो 5 ये हो गया 1 × 5, ठीक है, यहाँ पे 1 × 5। अब 3, ठीक है, 3 xy / यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे देखो इस पक्ष में भी 1 है, तो इस 1 का इसके साथ गुणा, फिर एक बार नीचे के साथ भी गुणा, तो दोनों के साथ देखो ऊपर नीचे दोनों के साथ हमने क्या कर दिया, इसका गुणा कर दिए, देखो सेम हुआ है, जैसे 5 को हमने ऐसे 5 को देखो यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा किया है, उसी तरह से 1 को इस पक्ष में ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो इसको हम कहते हैं लघुत्तम विधि, ठीक है। तो ये 6x y, अब आगे देखते हैं, फिर आगे हल करो, 3/2 x² + ये हो गया 15 × 30 = 75, तो ये 15 × 75 = xy हो गया। नीचे कितना बचेगा 5 × 5, फिर ये हो गया 3 xy, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे 6y², ठीक है। आगे हल करते हैं, तो आगे होगा 3/2 x² + अब यहाँ पे देखो ये 75, ठीक है, xy - 3xy / 5, देखो ये दोनों में से अब एक लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो गया 6y², तो यहाँ पे बचा 3/2 x² + ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि चलो प्लस को मैं बाद में बताता हूँ, तो यह देखो ये 75 है और यहाँ पे 3 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना होगा 72 होगा, घट जाएगा 3, तो 72 xy बचेगा, और देखो ये प्लस वाला चिन्ह क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैं प्लस लिख दिया, तो प्लस 72 xy, उसके बाद क्या होगा 5, ये हो गया 72 xy, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 5 - 6y² और ये क्या है आपका आंसर,
ठीक है, आपको समझ में आया होगा इस तरह से बनता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो। तो प्रश्न क्रमांक दो है मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है x प्लस वाई, उसके बाद है 2y प्लस 3x, फिर प्लस, फिर कोष्टक में 3x प्लस y, फिर कोष्टक में y प्लस 2x। ये प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न। इसको क्या ऐसे हल करेंगे, जैसे हमने पहले किया था वैसे इसको भी हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पक्ष, एक पद पहला पद, और यहाँ पे दूसरा पद। ठीक है, पहला पद दूसरा पद, तो पहला पद को स्थिर रखेंगे, फिर दूसरा पद को इसके साथ गुणा करेंगे। इसी तरह से यहाँ भी पहला पद को स्थिर रखेंगे और दूसरा पद को गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा के रूप में दोनों। तो हल करते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, और इसके बाद क्या है, गुणा टू वाई, फिर ये क्या लगा है, प्लस लगा है, प्लस लगा दो, फिर एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या है, गुणा 3x, फिर प्लस लिखो, ये वाला प्लस। अब इसको स्थिर रखो, 3x प्लस वाई स्थिर रखते हैं, और इसके साथ y का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, फिर 3x प्लस वाई को स्थिर रखो और फिर गुणा कर दो 2x के साथ। ठीक है, इतना हो गया, देखो पूरा एक साथ बन गया। अब आगे हल करते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ और एक बार इसके साथ, दोनों के साथ होगा, तो करते हैं। तो ये हो गया x गुणित 2y, फिर प्लस y गुणित 2y। ठीक है, फिर ये क्या लगा है, प्लस लगा है, फिर ये x है, और x एक बार 3x से गुणा इसके साथ, और एक बार 3x से गुणा y के साथ। ठीक है, तो x के साथ करते हैं, तो 3x प्लस y के साथ 3x। ठीक है, फिर प्लस लगा दो, फिर यहाँ पे देखो 3x है, तो इसका गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो 3x गुणा वाई, फिर प्लस, फिर वाई गुणा वाई, फिर प्लस लगा दो, फिर 3x गुणा 2x प्लस वाई गुणा 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो x और y कितना हो जाएगा, 2xy गुणा हो गया, फिर यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, फिर देखो ये वाई वाई है, टू वाई वाई में देखो एक घात इसमें, एक घात इसमें, तो ये कितना होगा, दो घात हो गया। फिर यहाँ पे देखो x और 3x, तो ये कितना हो गया, 3 x x दो बार है, तो घात क्या हो गया, जुड़ गए, तो दो घात हो गया। फिर यहाँ पे देखो 3xy प्लस यहाँ भी 3xy, फिर यहाँ पे देखो प्लस y, एक घात कितना हो गया, दो घात हो गया। फिर यहाँ पे देखो 6, तीन दूनी 6, और एक एक 2x हो गया, तो कितना हो गया, x का दो घात, प्लस यहाँ पे देखो ये y है, x है और 2 है, तो 2xy लिख दो इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x के दो घात वालों को सबसे पहले देखो, तो x घात दो घात कहाँ पे, इसमें है एक, और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है, तो कितना हो गया, जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद कितना हो जाएगी, 9x का दो घात। ठीक है, अब उसके बाद किसको देखेंगे, x के, उसके बाद x के एक घात वाला है क्या, नहीं है, क्या है, x और y दोनों जुड़े हुए कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन वाला है, तो कंबाइन वाला देख लेते हैं। तो देखो 2xy हो गया, इसी तरह से देखो फिर 2xy है, तो देखो xy कहाँ है, xy इसके साथ गुणा है, xy इसके साथ है, xy ये भी है और xy ये भी, तो ये हो गया 2xy, और उसके बाद क्या है, ये 3 कितना हो गया, 5xy हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8xy हो गया, और 8 और 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, 10, तो ये हो गया 10x और y, हो गया 10xy। फिर आगे हल करते हैं, अब बचा क्या हमारे पास, y के घात वाला बचा, तो y का दो घात वाला बचा है, तो देखो y का दो घात वाला एक हो, मतलब ये दो है, उसके बाद और खोजो, यहाँ पे दो एक तीन है, तो तीन ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 3 y का दो घात, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या हो गया, हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आप इसके प्रश्न क्रमांक दो के सभी प्रश्नों को बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीन की ओर। प्रश्न क्रमांक तीन है x प्लस वाई और 3y प्लस 4x का आपस में गुणा कीजिए एवं नीचे दिए गए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। हमें सत्यापन करना है, मतलब हमें सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, x बराबर एक बार दो रख के हल करना है और y बराबर -1, और दूसरे में रखना है x बराबर एक रख के हल करना है और y बराबर 0 रख के हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे है x प्लस वाई, इसका गुणा करने के लिए कहा है तो हम गुणा कर देते हैं, और 3y प्लस 4x, इन दोनों को गुणा करने के लिए कहा था, देखो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करते हैं तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, पहले पद को स्थिर रख दो x प्लस वाई को, और दूसरे पद को इसके साथ गुणा करो, तो ये स्थिर हो गया। उसके बाद 3y, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर x प्लस वाई, फिर यहाँ पे लिखो गुणा 4x, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x गुणा 3y, फिर प्लस y गुणा 3y, प्लस फिर ये x, फिर गुणा 4x, प्लस y गुणा 4x, हो गया यहाँ तक के। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 3xy, प्लस यहाँ पे हो गया 3, और ये y y क्या हो गया, घात का 2 घात हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 4, और ये x x क्या होगा, घात का 2 घात हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 4, और यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे देखो x का घात वाला सबसे बड़ा घात कौन सा है, ये है, तो 4x2। उसके बाद एक्स वाई वाला देखो तो 3x और 4 3 कितना हो गया, 7xy हो गया। उसके बाद बचा क्या है, प्लस और प्लस 3y2, ठीक है, इतना बचा है, तो ये हो गया आपका, इन दोनों को गुणा करने के लिए, तो ये गुणा का मान निकल गया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला आगे गुणा का मान आंसर निकल गया। उसके बाद आगे क्या कहे प्रश्न में, नीचे दिए गए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। अब हमें सत्यापन करना है, तो सत्यापन कैसे करेंगे, तो देखो ये वाला पद लेफ्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला पद क्या हो गया, राइट हो गया, तो यहाँ पे लिखो x प्लस वाई 3y प्लस 4x, यही था, ठीक है, इसको हमने उतारते जाना है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे उतारा नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में हमने उतार दिया, उसका मान क्या निकला हमारे पास, ये तो ये गुणनखंड के रूप में है, और ये गुणनफल के रूप में है, तो इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों को साथ साथ लेके हल कर रहे हैं। अब पहले में क्या कहे, तो आपके जो बुक में दिया हुआ है, तो x बराबर कितना है, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, नीचे में जगह कम पड़ सकता है इसलिए मैं यहाँ पे बगल में, आपको नीचे में लिखना है, ठीक, तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 रखना है हमें, और y बराबर कितना रखना है, -1 रखना है, तो यहाँ पे आप रखते जाओ, इस लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है, राइट हैंड साइड में, हमें देखना है कि क्या दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर दोनों का मान बराबर आ रहा है तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो जाएगा, मतलब सत्यापन हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो x का मान क्या रखेंगे, देखो x का मान 2, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 रखना, और जहाँ पे y होगा वहाँ पे -1 रखना, तो यहाँ पे क्या है, x है, तो लिखो x, हाँ x की जगह में 2 लिखना है ना, ये 2 है, थोड़ा काट लो इसको, 2 लिखो, 2 है x की जगह में 2, और y की जगह में क्या लिखना है हमें, -1, तो ये हो गया -1, इसको बड़ा कोष्ठक में ले लो। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 और ये क्या है, -1, बड़ा कोष्ठक में डाल लो, प्लस ये क्या है, 4 × 2, ठीक है, ये हो गया। अब इस पक्षों को हल करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 4, और x की जगह में क्या रखना है हमें, 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग, प्लस 7, x की जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर y की जगह में क्या रखेंगे, -1, फिर प्लस 3, y की जगह में क्या रहेगा, -1, और इसके घात कितने हैं, 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करते जाएंगे हम लोग, हल कर दो, तो देखो ये 2 है और ये -1 है, ठीक है, तो 2, देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। अब -1 और ये +2, +2 और -1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटने के बाद क्या है, कितना आएगा, +1, तो ये रहा 1, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं 1, आप लोग डायरेक्ट मत करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह कम है इसलिए एक ही बार में खत्म करने के लिए, तो 1 बचा। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे देखो अगले वाले कोष्टक में, तो ये -3 हो गया, 3 और -1 का गुणा हो गया कितना होगा, -3, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये -3, फिर प्लस ये कितना हो गया, 4 × 8, आगे बढ़ते हैं, तो देखो 2 × 4 ये हो गया, 2 × 4 हो जाएगा, और 4 × 16, तो ये हो गया 16, प्लस 7 × 14 और ये -1 है, तो कितना होगा, -14, ठीक है, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, मैं इसको माइनस लिख लेता हूँ, -14, ठीक है, प्लस और माइनस को गुणा होकर क्या हो गया, माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया, तो ये भी चिन्ह क्या होगा, बदल के -14 हो गया। फिर यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या है, 3 है और ये माइनस 1 है, तो 1 का वर्ग है, माइनस के साथ वर्ग है, तो क्या होगा, माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। प्लस वन के साथ 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, प्लस वन के साथ 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, तो प्लस 3 ही होगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे हल करते हैं, तो ये हो गया 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो जो का तो मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखो, चलो इसको पहले लिख लो, 1 गुणा फिर ये कितना हो गया, माइनस 3 और प्लस 8, तो कितना हो गया, प्लस 5 आएगा। फिर यहाँ पे देखो 16 और 3 कितना होता है, 19, यहाँ पे 19 लिखो, 19 माइनस 14, ठीक है, ये हो गया 5। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ भी 5। देखो 5 5 दोनों पार प्राप्त हो रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, दोनों पार क्या हो गया, दोनों आप देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पार लेफ्ट साइड देखो और राइट साइड देखो, दोनों पार हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, मतलब हमारा मान सही हो गया, मतलब सत्यापन हुआ, और सत्यापन हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध हुआ, इसको लिखते हैं सिद्ध हुआ। इसी तरह से जो दूसरा है, x बराबर 1 और y बराबर 0 रख के आप हल करके देखना, सेम ऐसे ही बनेगा। उसके बाद हम आगे अगले प्रश्न वाली को देखेंगे।